जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों मैं थोड़ा बिजी था इसलिए बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर अब मैं कुछ कुछ दिन में एक नई वीडियो डालता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो मेरे मेन व्यूअर्स हैं वो टीनेजर्स हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो हर वीडियो की तरह आखिर हम करने क्या वाले हैं वो वीडियो के एंड में आपको समझ में आएगा। तो अब आप वीडियो देखिए। सबसे पहले हमें क्रोम खोलना है। क्रोम में हमें टाइप करना है NVSP, और ये जो सबसे ऊपर आ रहा है NVSP सर्विस पोर्टल, या हम बस इसको NVSP को ही सर्च करते हैं। ये NVSP सर्च करने से NVSP की साइट खुल गई। ये इंडिया का नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। तो अगर हमें अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना है, जैसा कि इस वीडियो के कैप्शन में मेंशन है, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इसके फर्स्ट ऑप्शन पर, क्लिक हेयर पर, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अकाउंट। इससे हमारे पास खुलेगा फॉर्म 8, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ दिल्ली। यहाँ मैं अपना ही वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट, जो कि मेरी है। विधानसभा क्षेत्र है ओके, ये मे भी गलत हो गया, नॉर्थ ईस्ट शाहदरा। डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे शाहदरा, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट शाहदरा है। और विधानसभा क्षेत्र है रोहतास नगर। अब हमने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, रोहतास नगर भी एंड शाहदरा भी। अब मैं अपना नाम डालूंगा। नाम मैं डालता हूँ हर्षित, HARSHIT हर्षित। और ये आपकी रीजनल लैंग्वेज जो फॉर्म की है उसमें इसको अपने आप कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि हम देखते हैं। और ये उसने उसको रीजनल में भी कन्वर्ट कर दिया। एंड सरनेम गोयल, इसका फर्स्ट हम कैपिटल लिखते हैं, गोयल ओके। आवेदक के नातेदार का नाम, तो इसमें हमें डालना है अपने फादर का नाम, जो कि है नवीन गुप्ता, NAVEE नवीन। ये इसको चेंज तो खुद कर ही देगा। एंड GUPTA गुप्ता ओके। नातेदारी की किस्म, अब आपने जिसका नाम डाला है वो कौन है। अब आप अगर मैरिड नहीं हैं तो आप फादर ही डालेंगे ऑब्वियसली, बट अगर आप मैरिड हैं तो आप इसको हस्बैंड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आयु, चालू कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आयु हमारी कितनी थी। तो चालू कैलेंडर वर्ष 2018 की 1 जनवरी को मेरी आयु है 19 ईयर्स, वो सॉर हाँ 19 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ओके ना, या 19 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। जन्म की तारीख, तो जन्म की तारीख हम डालते हैं 21 ये गलत हो गया, इसको हम दोबारा यहाँ से करते हैं ठीक। मेरा है 1998 का बर्थ है एंड ये है अगस्त 1998 एंड डेट इज 21, तो 21 अगस्त 1998 ओके ये ठीक है। यहाँ पर को अपना जेंडर डालना है मेल, और यहाँ पे आपको डालना है अपना हाउस नंबर। तो हाउस नंबर है, हाउस नंबर 70 ओके, हाउस नंबर 70 एंड थर्ड फ्लोर। ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा, क्योंकि इस फॉर्म में जो आप भरेंगे वही आपका जो PVC वाटर आईडी कार्ड आएगा उस पर प्रिंट होकर आएगा। गली, तो यहाँ पर आपको केवल गली नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको प्रॉपर लिखना है स्ट्रीट नंबर 2।
स्ट्रीट नंबर टू प्रॉपर लिखना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गली टू है तो आप टू ही लिख दे, स्ट्रीट नंबर टू प्रॉपर आप लिखेंगे, क्योंकि अगर आप टू लिखेंगे तो वो बस खाली टू आएगा, बट अगर आप स्ट्रीट नंबर टू लिखेंगे तो वो स्ट्रीट नंबर टू आएगा। इसको हम स्ट्रीट को छोटा कर लेते हैं और इसको एसटी डॉट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है, एसटी डॉट एनओ डॉट। शहर यहाँ पर आप डालेंगे, शहर में अब आपने स्ट्रीट नंबर तक डाल दिया, बाकी का आपका जितना भी एड्रेस है वो आप इसी कॉलम में डालेंगे। तो हम यहाँ पर डालते हैं शाहदरा, शाहदरा दिल्ली, शाहदरा दिल्ली, और शाहदरा दिल्ली से पहले दुर्गापुरी एक्सटेंशन भी था सर, दुर्गापुरी एक्सटेंशन, दुर्गापुरी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली, ठीक है ये सही है। यहाँ आपको डालना है आपका पोस्ट ऑफिस, अब हमें डालना है यहाँ पे अपना पिन कोड, तो पिन कोड है 110093, ओके। एंड हमारा जो स्टेट है वो स्टेट है दिल्ली, ठीक है ये तो हो गई, डिस्ट्रिक्ट शाहदरा। यहाँ पे आपको आवेदक का स्थाई पता करना है, तो नॉर्मली हम इसको उपर्युक्त के समान यानी कि सेम एज अबव कर देंगे, तो यहाँ पर भी वही फिल हो जाएगा जो कि ऊपर है। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ओके ओके, आपको इस पर वर्ड्स पर क्लिक करना है तब ये क्लिक होगा, ओके। तो सेम ही वहां पर फिल हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पे लिखना है फैमिली नेबर एपिक नंबर, यानी कि जो हमारे फादर हैं या कोई फैमिली रिलेटिव हैं उनका जो एपिक नंबर है वो क्या है। तो यहां पर हम अपने किसी भी रिश्तेदार जो कि हमारे घर में हमारा बड़ा हो, जिसका पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हो, उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे। तो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे एक वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये मैंने फिल कर दिया। अब ये वैकल्पिक विशिष्टियाँ हैं, यानी कि अगर इसमें से आप कुछ कोई दृश्य दुर्बलता हो, सुनने की शक्ति ना हो, गति विषकता हो, तो वो सब आप यहाँ भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी है, और ये ऑप्शनल है पर फिर भी हम भर देते हैं, हर्षित गोयल 4567@gmail.com। तो ये हर्ष करेक्ट है ना स्पेलिंग, एक बार स्पेलिंग सब चीज़ों की जरूर चेक कर लें, HARSHITGOYL4567@gmail.com, ठीक है ये सही है। मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ हम डालते हैं अपना फ़ोन नंबर 8851427633, 8851427633, ये मेरा सही फ़ोन नंबर है, ओके। अब यहाँ पे आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो पहले अपना फ़ोटो चूज़ करना है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे इसमें आप एंड्रॉइड सिस्टम पर क्लिक करेंगे, वेट अ सेकंड, डॉक्यूमेंट्स पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे ऊपर स्लाइड कर कर गैलरी पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपका फ़ोटो हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मेरा फ़ोटो है इस फोल्डर में इम्पोर्टेंट इमेजेस, तो यहाँ से मैंने अपना फ़ोटो चूज़ कर लिया। उसके बाद आयु प्रमाण यानी कि आपका एज प्रूफ, तो आपको ये एज प्रूफ डालना है, पहले एज प्रूफ सिलेक्ट कर लें क्या है। मैं एज प्रूफ लगाऊंगा अपनी 10th की मार्कशीट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट अगेन हम गैलरी खोलेंगे, और ये मेरी 10th की मार्कशीट है, ये मैंने सिलेक्ट कर दी, ये यहाँ पे आ गई। नाउ अब हम सिलेक्ट करेंगे पता प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पर लगाऊंगा रेंट एग्रीमेंट,
रेंट एग्रीमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैं वापस से डॉक्यूमेंट्स खोलूँगा दोबारा से गैलरी एंड ये है मेरा रेंट एग्रीमेंट। साइजेस ग्रेटर देन 2 MB। अब दोबारा से हम इसको एक बार फिल करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको रिसाइज कर लिया है डॉक्यूमेंट्स। अब हम गैलरी ओपन करेंगे, इमेज कन्वर्टर वाला फोल्डर और ये रेंट एग्रीमेंट, और ये यहाँ पर ये रेंट एग्रीमेंट भी सेव हो गया, ये यहाँ पर आ गया। और अब आपको यहाँ पे वो शहर लिखना है जिसमें आप एग्जैक्ट इस टाइम पर हो, जहाँ बैठकर आप ये फॉर्म भर रहे हो। तो मैं हूँ दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर लिया, राज्य चुनते हैं हम, ये मैंने सिलेक्ट किया दिल्ली, जिला चुनते हैं और ये जिला चुन करा मैंने शाहदरा, ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ कि सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के समर्थक का नागरिक हूँ, मेरे जन्म का शहर, और ठीक है सॉरी वो अलग कॉलम था, इसमें जन्म का शहर लिखना है, तो जन्म का शहर है मेरा गाज़ियाबाद और राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है गाज़ियाबाद। ओके, मैं ऊपर दिए गए पते वाले स्थान पर मामूली तौर पर निवासी हूँ, ठीक है। और इसका जो दिनांक है कि मैं कब से निवासी हूँ, तो ये दिनांक हम लिख देते हैं लमसम, या आप एग्जैक्ट भी लिखें तो 2016 जनवरी 2016 और डेट आप डाल दें 1 जनवरी 2016 से मैं यहाँ पे निवासी हूँ। मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है इस पर, ओके रहने दें, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। अब यहाँ पर आपको वो स्थान डालना है जहाँ पर आप बैठकर ये फिल कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली में ही बैठकर फिल कर रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली फिल किया और डेट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। और अब आपको क्लिक ओके, ये फाइनल हो चुका है और अब ये प्रोसेसिंग चलती है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो ये जो मेरा फॉर्म था ये सबमिट हो गया और ये उसकी रिसीप्ट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें डाउन वॉल्यूम रोकर और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके, ये स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर हो गया। ये इन फ्यूचर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई उसके लिए या आपके वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ में इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो ही गई। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्शन कमीशन का एक हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन कर दूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि 200-300 रुपए तक बाहर देकर साइबर कैफ़े में ये फॉर्म फिल कराते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज में धक्के खाते रहते हैं, वो इस वीडियो को देख कर अपने फ़ोन से ये काम कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, मैं आज से पहले भी 5 से 6 वोटर आईडी कार्ड ऐसे ही बनवा चुका हूँ, अलग अलग लोगों के, भाई अपने ही नहीं बनवाए मैंने, इतना फ्रॉड काम नहीं करता मैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, या कोई भी आपका सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।